हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमाप कॉर्नर। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ में क्या वीडियो शेयर करी। प्लीज़ आप ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे बहुत से लोगों के कॉमेंट आ रहे थे कि आप मुझे उनकी मशीन में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये अपने चैनल पर और भी एक वीडियो डाल रखी है, ये वाली वीडियो है। ये वीडियो पे आप जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने इसमें बताया है मैंने कि इस किस तरह से आपको अपनी मशीन को ठीक करना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। यहाँ पर अचानक से मेरी मशीन स्टिच करते करते यहाँ पर अचानक से रुक गई थी, बिल्कुल भी स्टिचिंग बराबर नहीं हो रही थी। आप देख सकते हो मेरी स्टिच इतनी रफ़ हो गई थी। ऊपर से टेंशन का भी प्रॉब्लम नहीं था, टेंशन ही मेरा सही था बिल्कुल। मैंने 3 और 4 के बीच में 4 पे हर जगह से एडजस्ट करके देखा, मेरी स्टिच मशीन सही नहीं हो रही थी। मेरा बॉबिन का भी, फिर मैंने बॉबिन केस को यहाँ से खोल लिया। यहाँ पर मैंने खोलने के बाद आप देख सकते हैं मेरी मशीन मैंने बहुत दिन से क्लीन नहीं की थी, जो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। तो मैं आज जो आप स्टिचिंग करते हैं तो कपड़े के जो पार्टिकल्स होते बारीक बारीक, वो इसमें जाकर फंस जाते। इस तरह से आपको आपकी मशीन को इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर बॉबिन लगाते उसे खोल लेना है। और आप देख सकते हो साइड में यहाँ ब्लैक कलर के 2 इस तरह से हुक्स दिए हुए होते। इससे आप ऐसे हल्का सी प्रेस करते हैं साइड में, ऐसे खोलेंगे तो खुल जाता है। फिर हमें इस तरह से बॉबिन और बॉबिन केस दोनों को निकाल लेना है, इस तरह से इसे भी निकाल लेना है। फिर हमें इस तरह से आप देख सकते हो मेरी मशीन में कितना ज़्यादा डस्ट एक साथ जाके जमा हो गया था, तो मैंने उसे क्लीन किया। इस तरह से आपकी मशीन में भी अगर आप बहुत दिन से क्लीनिंग नहीं करते तो इस तरह से नॉइज़ का प्रॉब्लम होता है। आप देख सकते हो इसमें थ्रेड भी है, इसलिए मेरी मशीन में जो प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा टेंशन बिल्कुल सही था, तो भी मेरी मशीन नहीं ठीक हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने इसे क्लीन कर लेना चाहिए। ये देखिए आप, इसमें थ्रेड फंसा होता है तो भी होता है। इस तरह से मैंने पहले जितने भी डस्ट है उसे ब्रश से, आपका जो टूथ ब्रश होता है तो कोई भी अच्छा वाला ब्रश लेकर, मैं हमेशा इस तरह से टूथ ब्रश न्यू लाकर रखती हूँ, इसी से क्लीन करती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह के छोटे छोटे थ्रेड भी मेरी मशीन में फंसे हुए थे। जब हमारी मशीन छोटे छोटे धागे फंस जाते तो हमारी स्टिचिंग में और प्रॉब्लम और नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा मशीन करती, तो वो एक ही रीज़न मुझे लगता है ये होता है कि जब थ्रेड फंसता है और बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो मशीन नॉइज़ करती। यहाँ पर पहले मैंने थोड़े थोड़े ड्रॉप्स में, जो हमें साइड में ड्रॉप दिया हुआ था, मैंने मेरी पिछली वीडियो में अच्छे से ऑयलिंग करने का तरीका बताया, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर हमें जो मशीन है इस तरह से ऑयलिंग कर लेंगे और एक दो बार ऐसे स्पीड में इसे चला लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने नीचे भी थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग कर लिया है और फिर एक दो बार चला लिया। फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में इस तरह से ओपन करके क्लीनिंग करना नहीं बताया था, इस वीडियो में बता रही हूँ डिटेल में। आप देख लीजिए यहाँ पर जो मशीन के साइड में हमारे 2 स्क्रू होते हैं इस तरह से, जो इसे हमें खोल लेना है। जो हमारे किससे खोलना है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर हमारी मशीन के साथ में छोटा सा मिनी सा मिलता है उसी से हमें खोल लेना, इसीलिए खुल जाता है। और स्क्रू को ये दोनों को साइड में सेफली रख देना है। इसे आप देखिए कि हमें वापस इसे लगा लेना है मशीन क्लीनिंग करने के बाद, फिर हमारे इसे क्लीन। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर भी कितना ज़्यादा पार्टिकल्स जो कपड़े के होते हैं और थ्रेड सब यहाँ फंसा हुआ था, मैंने इसे भी क्लीन कर लिया। इस तरह से अच्छे से ऑयलिंग करके ही क्लीन करें। आप देख रहे थे कितना ज़्यादा मेरी मशीन में यहाँ पर सब जब इकट्ठा हो गया था, मैंने इसे अच्छे से इस तरह से ब्रश से क्लीन किया है। आप भी इसी तरह से क्लीन करिए, और जिस जिस तरह से मैंने खोला है और बाद में लगाया है आप भी एग्जैक्टली वैसा ही लगाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने यहाँ पर ब्रश में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर जगह जगह अंदर डीपली ऐसा जगह जगह ब्रश जा रहा था, वहाँ वहाँ मैंने अच्छे से ऑयलिंग की है, ब्रश लगा लगा कर साफ। इस तरह टूथ ब्रश से आप साफ़ करेंगे तो आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल, जितने भी अगर कहीं पर थ्रेड होगा वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। फिर मैंने एयरबर्ड लिया है यहाँ पर, इससे मैंने यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा कर इस पर इसे जो जहाँ जहाँ मेरी ब्रश नहीं पहुँच रहा था, जहाँ छोटी छोटी जगहों पर, मैंने यहाँ पर एयरब्रश की मदद से उसे क्लीन किया है। जितने भी थ्रेड होते हैं जो भी, इससे क्लीन हो जाते हैं। नाउ यू कैन सी देयर इज़ टू मच डर्ट इन माई मशीन। देन प्लीज़
प्रॉपरली ऑयलिंग आप कर ले जिस तरह से मैं कर रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपको करना है ऑयलिंग। देन टेक वन कॉटन क्लॉथ और उस पर आपको अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने का जहाँ आपकी फिंगर जहाँ जहाँ पहुँच रही आप फिंगर की हेल्प से एक एक जगह को क्लीन कर लीजिए। और कॉटन मलमल क्लॉथ भी इसके लिए बेस्ट होगा क्लीनिंग के लिए आपका। प्लीज़ आप मेक श्योर कि आपका जो स्विच है वो ऑफ हो, नहीं तो आपको इससे करंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, डर है इससे। इसे आपका स्विच अंदर जब आप हाथ डाल रहे हैं तो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मेरा यहाँ पर लाइट जैसा लग रहा, तो मेरे प्लीज़ मैंने मशीन को का स्विच ऑफ कर कर ही काम किया है, तो आप भी मशीन को सेफ्टी के साथ में करिए। देन मैंने यहाँ पर जो बॉबिन का शटल होता है, बॉबिन केस और शटल को अच्छे से प्रॉपरली ऑयल की हेल्प से इसे मलमल के जो क्लॉथ है मैंने उसे से क्लीन कर लिया है अच्छे से। ब्रश से भी मैं इसे क्लीन कर लूँगी। इस तरह से आपको भी क्लीन कर लेना ऑयलिंग अच्छे से उसको उस शटल के ऊपर और बॉबिन केस का जो होता है उसके ऊपर आपको ऑयलिंग कर लेना है इसी तरह से। और ब्रश की हेल्प से एक आपको कॉर्नर कॉर्नर इसको क्लीन कर लेना है। या आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा क्लीन हो चुका है। इस तरह से मैं फ़िट कर लूँगी। अगर मैंने इस वीडियो में थोड़ा से आपको प्रॉपर गाइड नहीं किया है किस तरह से लगाना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर अपलोड करूँगी मैं, किस तरह से टेंशन और इस तरह से किसे एडजस्ट करते हैं बॉबिन केस का टेंशन और अपर टेंशन लोअर टेंशन और किस तरह से इसे फिक्स करते हैं। तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं डालने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ उसे उस वीडियो को भी डेफिनेटली देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इस तरह से मैंने ऊपर का जो आपका होता है फिट डॉग उसके ऊपर वाला प्लेट हमें वो लगाना है और प्रॉपरली स्क्रू को भी इसी तरह से फिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर जो मेरा स्क्रू है उसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी दोनों स्क्रू को। यहाँ पर जो मेरा फ़ीट है मैं उसे फ़ीट को भी जो मेरा बेसिक सा फ़ीट होता है हमारा जो हम डेली यूज़ करते उसको भी ऑयलिंग करके मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है, कहीं पर भी कोई पार्टिकल्स ना रहे डस्ट ना रहे। मैं ब्रश में ऑयल लगाकर हमारा फिट डॉग होता है निडल बार होता है वहाँ पर जो और बल्ब होता है मशीन में हमारे बल्ब लगा होता है उस एरिया में मैं वहाँ पर क्लीन कर लूँगी। जहाँ जहाँ मेरा ब्रश पहुँचेगा मैं वहाँ वहाँ तक क्लीन कर लिया है मैंने। इस तरह से मैंने ब्रश में ऑयल लगा लगा कर अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर आपकी मशीन इस तरह से क्लीनिंग करने के बाद भी आपकी मशीन प्रॉपर नहीं चल रही है तो आपको ये काम करना है कि आपको प्लीज़ बॉबिन को चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पर बॉबिन को चेंज कर दिया था। अगर आपका ऊपर टेंशन लोअर टेंशन सब परफेक्ट है तो भी मशीन आपकी नहीं चल रही तो आप प्लीज़ बॉबिन को चेंज कर दी। बॉबिन में प्रॉब्लम होगा उसको किस तरह से ठीक करते बॉबिन को मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप डेफिनेटली चेक करिएगा, मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी। मैंने वो नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के ऊपर है। फिर आप यहाँ पर कॉटन या मलमल के कपड़े पे माइल्ड डिटर्जेंट लगाकर इस तरह से क्लीन कर लीजिए। आप देख सकते हो मेरी मशीन किस तरह से क्लीन हो गई है परफेक्टली। इस तरह से आप भी कर सकते हो, इसी तरह से मेंटेन रखिए आपकी मशीन को। अब यहाँ पर आप देख लीजिए मेरी स्टिचिंग कितनी परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे आप मेरी स्टार्टिंग में देखिए मेरी स्टिचिंग कितनी रफ़ थी, अब ये स्टिचिंग देखिए मैं कर रही हूँ कितनी परफेक्ट हो गई है। इस तरह से आप भी कर सकते हैं आपकी स्टिचिंग को परफेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।